अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टीरेक्स एसी 250 टन क्रेन है, इसका मैनुअल बूम कैसे अंदर आता है, ठीक है, तफसीलन बताऊंगा। बहुत से मेरे दोस्तों ने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की है, लेकिन वो समझ नहीं आती कैसे इसको जो है ना करना है। वेरी ईजी है। अभी हम लोग ये प्रीकास्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये अगर मेरा कैमरा दिखा सकता हो तो ये देखें, अभी बूम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया है, अभी मैं इसका लीवर लगा रहा हूँ, लेकिन ये सिलेंडर जो है ना उसको सिग्नल नहीं दे रहा, लॉक अनलॉक नहीं कर रहा, ठीक है ना। अभी इधर से हम चले जाएंगे मैनुअल में, ये मैनुअल में चले गए तो इसको जो है ना क्रॉस दबाएंगे। इसका क्रॉस दबाने के बाद भाईजान हम लोग ये सिलेंडर अनलॉक करेंगे। सिलेंडर अनलॉक करने के बाद सिलेंडर को थोड़ा आगे करेंगे, ये हो गया, ये ग्रीन करना है सिलेंडर को। सिलेंडर का परसेंटेज आप देखो नहीं देखो कोई मसला नहीं है, लेकिन परसेंटेज भी याद होनी चाहिए कि हमारी परसेंटेज क्या है इसमें, ठीक है। तो रुक जा, तो ये अभी देखें सिलेंडर हमारा बूम के अंदर लॉक हो गया। अभी हमने बूम को करना है लॉक, सॉरी सिलेंडर को करना है, ये देखो सिलेंडर हो गया लॉक, ठीक है। तो जब सिलेंडर लॉक हो गया उसके बाद बूम को कर देना अनलॉक, ये बूम अनलॉक हो गया, ठीक है ब्रो। अभी देखना, ये वेरी इजी है, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है। अभी देखो ऊपर जो है ना ये आ गया निशान, ये हमारा बूम ओपन हो गया, ठीक है। ये ऐसे रहेगा तो बूम ओपन हो जाएगा, ये बूम ओपन हो गया, अभी हमारा बूम अंदर आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये देखो परसेंटेज कम होने लग गए। अभी बूम को पीछे ला के फिर बूम को भी लॉक करना है, फिर सिलेंडर को ओपन करके ऊपर लेके जाना है, आगे वाला जो बूम है ना उसको। अभी हम दो नंबर बूम अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो मैनुअल वेरी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। जो नए लड़के हैं, मतलब कि अभी जो नए इस फील्ड में हैं या ट्रैक्स क्रेन चला रहे हैं, लीवर क्रेन जो है ना वेरी इजी है, उसका इतना मसला नहीं है। ये देखें अभी बूम हमारा ग्रीन हो गया, इसको खोलेंगे इधर से और इसको इधर लॉक कर देंगे। बूम लॉक हो गया, बूम के साथ अभी इसको सिलेंडर को अनलॉक करेंगे, एक दफ़ा थोड़ा लीवर आगे, एक दफ़ा थोड़ा पीछे लगाएंगे। तो मतलब कि आप परसेंटेज नहीं भी याद रखो तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अभी बूम जो है ना बूम लॉक हो गया, बूम के साथ अभी मेरा सिलेंडर दोबारा से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी ये देखना है आपने, ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर ग्रीन होगा जब बूम के पास पहुंचेगा, ठीक है। जितना बूम आपने निकाला हुआ है, अगर मतलब कि बूम अंदर करने के लिए ये बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा जो बूम निकालने के लिए, कि बूम इसके निकलते कैसे हैं, ठीक है। तो अभी जो है ना मैं बूम इसको फिलहाल अंदर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी अभी छुट्टी हो गई है, तो अभी मैं आपको बूम अंदर करके बताता हूँ। वेरी इजी तरीका भाई जान, आप देखोगे आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आप इस पे काम भी कर सकते हो, ये नहीं है कि भाई इसकी ऑटो बूम नहीं निकल रहे तो हम इसको काम नहीं कर सकते, क्रेन को ब्रेक डाउन करना है। ये देखें अभी मैं तकरीबन चार दिन से ऐसे ही चला रहा हूँ इसको। अभी देखना इसका ये सिलेंडर जो है ना अभी ग्रीन करना है, ये कभी कभी पकड़ता नहीं, आगे पीछे हो जाता थोड़ा ज़्यादा लीवर लगने से, ठीक है। ये देखें अभी पकड़ लिया, ठीक है। अभी इधर से इसको छुड़ा देना है और इधर जाके इसको लॉक कर देना है, ठीक है। लॉक करने के बाद बूम को अनलॉक कर देना, ठीक है। एक दफ़ा थोड़ा आगे करो, थोड़ा पीछे करो, ये अनलॉक हो गया, ठीक है भाईजान। ये बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। ये प्रोसीजर करना है कि जब बूम अंदर लेके आने ऐसे, और जब बूम बाहर मतलब के सिलेंडर लेके जाना है, तो जो भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये आप इसमें देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा इसके लिए, जो अपना बूम निकालने के लिए, अगर बिलफर्द आप लोगों की ग्रीन ब्रेक डाउन है, ये देखें अभी एक है ना, इसको एक पे नहीं, इसको दोनों को ग्रीन करना है। देखो ये बूम का ऑप्शन है राइट साइड वाला जो है ना, ये दोनों लॉक अनलॉक बूम के हैं, ये भी बूम के हैं, सही है। ये सिलेंडर के हैं, ये दोनों सिलेंडर के हैं, ठीक है। अभी जो है ना हमारा बूम लॉक की पोजीशन में है, बूम के साथ बूम को हमने इधर से करके बूम के साथ बूम को लॉक कर देना है, फिर सिलेंडर को अनलॉक कर देना है। अनलॉक करके सिलेंडर को आगे लेके जाना है नेक्स्ट बूम लाने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा लीवर आगे को लगाएंगे, थोड़ा सा पीछे को लगाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का ना वो सिलेंडर उसको छोड़ देगा। अभी देखो सिलेंडर ने छोड़ दिया, अभी सिलेंडर दोबारा से ऊपर जा रहा है। यही प्रोसीजर करना है आप लोगों ने हर बूम के लिए, ठीक है ना। तो भाईजान इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा जो है ना अपना इसके लिए, जो बूम निकालने के लिए ना, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, तो फिर आप लोग इंशाल्लाह देख लेना उसको, आप समझेंगे। देखें अभी इधर ग्रीन होने वाला है, ज़्यादा मैंने उसको सिलेंडर को आगे कर दिया। मैं ख़ुद भी पहले भी 2 साल क्रेन चलाया, अभी तकरीबन 2-3 मंथ हो गया, लेकिन यार पहले मैं भूल गया था इसका पूरा सिस्टम। अभी इंशाल्लाह मुझे भी सब इसका पता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने दोस्तों से भी शेयर करूँ, ठीक है। ये बूम उसके साथ पहुँच गया, ये देखें अभी बूम को अनलॉक कर देना है, ठीक है। अनलॉक करने के बाद थोड़ा सा आगे का लीवर लगाना है, थोड़ा सा पीछे का, तो वो उसको छुड़ा लेगा, ठीक है। ये देखें ये तीर ऐसा हो जाएगा, तो ये निशान इसका बूम का है, ठीक है। तो अभी इसका हम लोग इसको भी अंदर कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मज़ीद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा अपने दोस्तों के लिए जो है ना, कि मैनुअल बूम निकालते कैसे हैं, अगर आप लोगों का क्रेन का ऑटो, क्योंकि ऑटो में फॉल्ट आता रहता है, तो मैकेनिक भी ज़्यादा नहीं इसका मिलता, ठीक है, लीबर का तो मिल जाता है। तो कोशिश करूँगा इंशाल्लाह जो भी इसका तरीक़ाकार होगा ना नेक्स्ट जो बूम निकालने का, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगा, ठीक है। अभी देखे बूम अंदर आ गया, तो उसके बाद भी मैं आपको बताऊँगा। ये देखें अभी बूम के सामने आ गया सिलेंडर, ठीक है। तो इसको बूम को अंदर लेके आया, अभी इधर बूम लॉक कर देना है, इसको अनलॉक कर देना है, ठीक है। ये देखें अभी बूम लॉक हो गया, तीर ऐसा हो गया, तो वो दूसरा जो है ना अपना बूम का निशान वो इस तरफ हो गया। तो अभी हमारा सिलेंडर फिर जा रहा है ऊपर, आप परसेंटेज भी देख सकते हैं इसकी कितनी परसेंटेज है, सही है। तो बाकी परसेंटेज देखो नहीं देखो, इसका जो नीचे है ना, ये देखो आप, ग्रीन होना चाहिए, ये ग्रीन होगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा यार, ये मतलब कि सिलेंडर अभी उसके सामने पहुंच गया है, पोजीशन में अपनी में पहुंच गया, ठीक है। अभी जा रहा है, जैसे ही ग्रीन होगा वो आपको इधर सिग्नल देगा ग्रीन के, सिलेंडर उसके पास पहुंच गया, ये देखा। इसको भी दोनों को करना है, ये दोनों ग्रीन होने चाहिए, इधर वाला भी, ये दोनों ग्रीन होने चाहिए दोनों पिन, ठीक है। दोनों ग्रीन हो गई, अभी इधर से मैंने सिलेंडर को लॉक किया, ठीक है, उसके बाद मैंने बूम को अनलॉक किया, ठीक है। बूम अनलॉक हो गया, अभी देखें ये बूम लॉक हो गया, ये सिलेंडर अनलॉक हो गया, ठीक है। अभी क्या है कि मैं एक बूम जो है ना इसका बाहर ही छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह फिर इधर काम है, उसके अभी देखना ऊपर परसेंटेज जो है ना ये 0-0 कर देने हैं सिलेंडर पीछे ला के। ये देखो पीछे आ गया, अभी ऐसे करना है, इधर इसको क्लिक करना है, इसको
इधर बूम एंटर करना है कि आपने कितना बूम अंदर कर दिया मैनुअल और कितना बाहर है। तो मैंने एक बूम छोड़ा है बाहर, मैं इसको इधर से करूँगा क्योंकि इधर से नहीं करेंगे तो वो उधर से क्लिक नहीं होगा। इधर से सेफ कर देना है इसको, ठीक है। और अभी इधर से बैक चले जाना है, ये देखो अभी एक बूम है, अभी मैं उसको दबाऊँगा अपना इसको, ये किया सेफ, अभी एक बूम है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें, किसी ना किसी को समझ आ जाएगी इसकी। थैंक यू वेरी मच।